तो लास्ट मैच के बाद ये तय हुआ था कि भारत अब अपने अगले मैचेस टाई नहीं कराएगा और भारत ने हम लोगों की सुन ली, हार ही गए। और जब इस हार का कारण मैं गंभीर सर से पूछने गया तो उन्होंने भी साफ तौर पर बोल दिया कि भाई जीत का क्रेडिट मेरे को देना है तो दो, हार वार की जिम्मेदारी मैं ना लेता। खैर इसमें अब कोच साहब की भी क्या ही गलती, आगे से नया गेंदबाज आया था, हमारे बल्लेबाजों ने देख लिया। भाई हाँ भाई मारेगा तो नहीं? ना ना फिक्र मत कर, बहुत मारूंगा भाई, पर मैं तो परमानेंट हूं ना यार। अच्छा परमानेंट है, तब तो और मारूंगा। अच्छा क्या करूं भाई, पर ये नया है, इसका डेब्यू मैच है भाई, डेब्यू पहला मैच आपके अगेंस्ट। क्या हमारे अगेंस्ट पहली बार खेल रहा है? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। आपको तो पता ही है हम किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पर अपनी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से बिल्कुल कॉम्प्रोम नहीं हो सकता। अब देखा हमने कि नया गेंदबाज आ रहा है तो स्वागत करना तो बनता ही था। तो बस फिर क्या था, एक नया गेंदबाज जिसका हम नाम भी नहीं जानते थे और एक पार्ट टाइम गेंदबाज को हमने 9 की 9 विकेट दे दी, क्योंकि एक तो रन आउट था ना। और वो इंडियन टीम जो एक समय पर 97 for 0 थी, वो 208 पर ऑल आउट हो गई। खत्म। इससे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। एनीवे अगर बात करें मुकाबले के बारे में, तो टॉस जीता श्रीलंकन टीम ने और उन्होंने बोला कि हम पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि बाद में हमें सिराज और अर्शदीप भाई की बैटिंग भी तो देखनी है। अब श्रीलंका की बैटिंग टिपिकल श्रीलंका बैटिंग ही थी, मतलब जिसको देखकर यही लग रहा था कि इससे अच्छा तो ओलंपिक ही देख लें। लेकिन फिर इंडिया की बैटिंग आई और उसको देखने के बाद लगा कि ओलंपिक ही देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो अब देखने लायक बची नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खैर श्रीलंकन बैटर्स की एक खासियत मुझे नजर आई कि भले ही कोई बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन टीम से नहीं आया हो, लेकिन इंडिविजुअली लगभग हर खिलाड़ी ने छोटे छोटे कदमों से छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन करके टीम को एक काफी अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। इतना अच्छा तो पहुंचा ही दिया कि हम तो ना ही पहुंच पाए, वो भी जब हमारी तरफ से विराट कोहली और उनके साथ सर विवियन रिचर्ड साक्षात खेलने आ गए थे। सिराज भाई उनका भी स्वैग है ना यार। खैर 240 के टारगेट को चेस करते हुए एक बार फिर से हमारे हिटमैन ऐसी तूफानी शुरुआत दिलाते हैं कि मैं कहता हूँ मुश्किल से 25 से 30 ओवर का मैच होगा। लेकिन मैं कैसे भूल गया था कि ये सारी कहानी तब तक ही अच्छी लगती है जब तक हमारे हिटमैन क्रीज पर होते हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद तो मानसून की बारिश से भी तेज हमारी विकेटें गिरती हैं। यार पिछले 2 मैच से यही कहानी है, एक तरफ हमारा कप्तान खेलता है तो लगता है कि भाई क्या ही फ्लैट पिच है, और दूसरी तरफ दूसरे बल्लेबाज खेलते हैं तो लगता है कि साला गड्ढों में ही खेल रहे हैं। और ये सारे नजारे देखकर मुझे तो सचिन पाजी का एरा याद आ गया। एक वो एरा होता था जब सचिन पाजी आउट हो जाए तो लोग टीवी बंद कर देते थे कि अब तो कोई उम्मीद नहीं है, और इस पूरी सीरीज में रोहित भाई के साथ हमें यही देखने को मिला है कि वो आउट हो जा रहे हैं, उसके बाद तो सब खट 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 करके घर जा रहे हैं। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। रोहित भाई भी बेचारे यही कह रहे हैं कि साला 240 के 240 अब क्या मैं ही बनाऊं, 100 तक तो हमने पहुंचा ही दिया था, 140 तुम लोग बना ही लेते। वो भी कह रहे हैं कि सालों कैसे माफ कर दो इन्हें, मेरे आउट होते ही तो तुम सबकी लंका लग जाती है। और फिर इसमें हमारे जीजी साहब के भी कॉन्ट्रीब्यूशन को तुम जानते हो, नंबर 5 को नंबर 7 पर भेज दिया, 4 को 6 पर भेज दिया, तो सारे बैटिंग ऑर्डर की माँ बहन कर दी। एक्सपेरिमेंट करने गए थे, मैच और सीरीज दोनों देकर चले आए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खैर देखो यार मजाक से हटकर बात यही है कि आपके विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर सबसे इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं ओडीआई सेटअप में, और अगर ये बंदे परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी टीम समस्याओं में रहेगी। और इन तीनों खिलाड़ियों के बल्ले से क्योंकि रन नहीं आए हैं, इसी वजह से आपको ये समस्याएं देखने को मिली। कुछ समझे दया? खैर यार जीजी एरा में कितने रिकॉर्ड्स टूटेंगे मुझे ये तो पता नहीं, पर एक रिकॉर्ड जरूर टूट गया। लास्ट 27 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका के अगेंस्ट भारतीय टीम एक ओडीआई सीरीज नहीं जीतेगी। जी हाँ, 1-0 से श्रीलंका आगे है, और यहाँ से इस श्रृंखला को अब हम क्या करा सकते हैं, टाई टाई टाई। भाई इस पूरी सीरीज में सबने साथ छोड़ दिया, बस ये टाई वर्ड ने साथ नहीं छोड़ा है। T20 में मैच टाई हो रहा है तो सुपर ओवर हो रहा है, पहले मैच में मैच टाई हो रहा है तो सुपर ओवर नहीं हो रहा है, और अब श्रृंखला भी हम क्या करा सकते हैं, टाई। खैर यार आप लोग भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की तरह चिन टपाक डमडम करना बंद करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मौज देते लेते और करते रहो, मिलते हैं बहुत जल्द।